बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और इसी के साथ आज अपना व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है गांव के अंदर। और ये देखें, मेरे फर्स्ट कज़न है जावेद भाई, ये भी मेरे साथ हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बड़ा ही खुशगवार बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीनरी में हम आए हुए हैं। जावेद भाई, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जावेद भाई फर्स्ट कज़न है, ये अक्सर इस्लामाबाद होते हैं लेकिन आज ये हमें मिले हैं तो मैं इनके साथ आया हूँ। और बैक साइड पे वो कासिम भाई हैं। कासिम भाई अपनी भैंस को यानी चरा रहे हैं, इधर चरागाह गांव में वो आपको अगर नज़र आ रहे हो तो कासिम भाई। और हम इधर आए हैं जानवरों को चरागाह गांव में, ये चराया जा रहा है। कितना ही खूबसूरत मंज़र है, बड़ा ही दिल खुश हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। जावेद भाई आप सुनाएं। ठीक है, शुक्र अल्लाह। तो जावेद भाई अपना कब आए आप? जावेद भाई ईद पे आए थे, ईद पर आए थे और अभी तक नहीं गए जावेद भाई, और इन्होंने जाना है। लेकिन जावेद भाई बड़ा ही ज़बरदस्त मंजर है गांव का। मैं तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और मेरा दिल बाग बाग हो गया इधर आके। कोई शक नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सुबह की ये सीन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह नसीब वालों को नसीब होता है। शहर में तो ये चीज़ें नहीं होती, मगर यहाँ का सुबह का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। कासिम भाई को फिर चेक कराएं, देखें आहिस्ता आहिस्ता यूँ। तो कासिम भाई के पास हम जाने की कोशिश करते हैं और कासिम भाई से भी हम कुछ बातें करेंगे। कासिम भाई तक पहुँचते हैं और उसके बाद कासिम भाई से बातें करेंगे। अभी मैं घास में चल रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे शबनम आ रही है मेरे पैरों में, ओस पड़ी हुई है। इसे गांव वाले ओस कहते हैं और हम शबनम भी कहेंगे, ओस भी कुछ भी कह सकते हैं। सरायकी में इसे तरेड़ भी कहते हैं, सरायकी में तरेड़ भी कहते हैं। जावेद भाई को सरायकी के अल्फाज भी पता है लेकिन मुझे नहीं पता, और आज मेरे आज इल्म में इजाफा हो गया है। तो अभी कासिम भाई के बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं, इंशाल्लाह उनसे भी करीब से मुलाकात करवाएंगे। कासिम भाई ये भी हमारे फर्स्ट कज़न है, जावेद भाई के छोटे भाई हैं। तो कासिम भाई की ये भैंस है, कितनी ही खूबसूरत और प्यारी भैंस है। अभी नीली रावी की भैंस है और ये डर कर भाग गई है क्योंकि वो चाहती है कि मेरी वीडियो ना बनाई जाए, तो हम उसकी वीडियो नहीं बनाते। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। अस्सलाम, क्या हाल है कासिम भाई? इंशाल्लाह खैरियत से हैं, तबीयत सी है, ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल। तो ये हैं हमारे कासिम भाई। और कासिम भाई आजकल क्या कर रहे हैं आप? बस इधर ही है, जानवर वगैरह छोड़े हुए हैं, चल रहे हैं। जानवर वगैरह छोड़े हुए हैं और चल रहे हैं। कासिम भाई बता रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सीन है, ये मुझे अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ना फयाज साहब आए हुए हैं, मैं तो इन्हें नहीं जानता लेकिन जावेद भाई इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साहब बाड़े पर रहते हैं और इनका नाम दाना फयाज साहब है, ये बहुत बड़े किंग कौन है इस इलाके के, कोई शक नहीं। ये अपने वक्त के बहुत अच्छे सीनियर गुलकार आर्टिस्ट भी थे, अब ये रह चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे। बस कुछ इनको सांस की बीमारी है, उसकी वजह से मेरे दोस्त बहुत ही इसका पेट फूल गया है, आगे से आप देखेंगे ना, तो अल्लाह माफ़ करे। बस ये बीमारी अल्लाह के दुश्मन को भी ना लगाए, ज़रा मूव करें। हाँ दिखाए ना, मैं अभी करीब जाता हूँ और आपको राना फयाज साहब को भी दिखाते हैं। और वालेकुम राना फयाज साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जावेद भाई बता रहे थे बहुत ही बुरा है, क्या इस तरह का कोई सीन है या जावेद भाई? ये थोड़ा मजाक कर लेते हैं, थोड़े मजाक भी करते हैं, अच्छे आदमी है ये। तो जावेद भाई मेरे ख्याल से मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहे थे इनका, आपको ये आपको समझ आ जाएगा ये देख के ना कि ये कहाँ तक हिसाब किताब है इनका। और बाकी मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मेरे सामने कोई हल्के से इन्हें सांस में भी कोई शिकायत है, अल्लाह ताला दुआ करें कि इसके लिए कि अल्लाह ताला इनको शफा हो जाए और इनका जो ये हिसाब है ये भी क्लोज हो जाए। तो हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अपना फयाज भाई ये बात तो ठीक है कि पेट तो आपने कम करना है, ये वाला है सीन, बाकी अब पता नहीं जावेद भाई ने कहा है तो इसे पूछ ले, बात में नहीं कह रहा, सांस में है ना, सांस में है। मैं और क्या तो करें? हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी जो अलालत है उसको दूर करे और इसी तरह हंसते बसते शाद बाद रहे। वैसे इसमें एक देख का समाव है जो इस देख को ये अब भी कोशिश करें तो रख सकते हैं क्योंकि कोई इतराज नहीं करता इस बारे में। अच्छा, ये खाते भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, एक देख को ये बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, देख को बुला सकते हैं।
बल्ला के साइड पे रखते हैं भाई, बल्ला के साइड पे नहीं, अंदर साइड अंदर अंदर दो दोयों की जगह है। तो आप देख सकते हैं फियाज भाई एक देग पूरी खा सकते हैं। और ये मेरे पास कजन है हसनैन भाई। क्या हाल है हसनैन भाई? तबीयत है ठीक है हसनैन भाई? सुबह सुबह हर बंदा हंस रहा है लेकिन आपके चेहरे पे हंसी नहीं है। बस क्या करें, सुबह सुबह मैंगो खाएं। सुबह सुबह मैंगो खाए, बस सुबह सुबह उठते ही मैंगो साथ अपना भाग है, भाग है। अच्छा मैंगो शैंगो खा के आए। तो जवेद भाई अकेले के क्या नाम है, हसनैन भाई अकेले अकेले मैंगो खा के आ गए हैं। आओ भाई चलें, तो भी ले चलें। मैंने सुना है इधर जामुन का बाग भी है, मुझे वो भी विजिट करवाना है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गाँव में पुरानी रिवायत बरकरार है, और जो जिस तरह पहले गांव में आए करते थे नाई और सारे गांव वाले आके बाल कटवाते थे, तो अभी देखिए ये अंकल जी भी काफी पुराने हैं और ये बड़ा ही जबरदस्त और देसी माहौल है। ये देखिए आप बाबा जी आते हैं और ये फिक्स दिन आते हैं, फिक्स हर 8 दिन बाद, यानी संडे के संडे, क्योंकि संडे को बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं। वैसे तो आज लास्ट डे है बच्चों की छुट्टियों का, उसके बाद बच्चों ने जाना स्कूल, तो आज बच्चे अपनी हजामत करवा रहे हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है? बाबा जी कितना अर्सा ठीक है तो आपको स्थान दे? 15 से 20 साल बता रहे हैं बाबा जी, इतने पुराने आ रहे हैं इधर से इधर हमारे पास, और मेरे ख्याल से शायद मैंने भी कभी इनसे हजामत बनवाई हो, मुझे याद नहीं है, हो सकता है बनवाई हो, क्योंकि गाँव से मैं कराची था, कराची से मैं आया करता था गाँव में, तो इधर रहा करता था 1 महीना 2 महीना, तो हो सकता है शायद मैंने बाबा जी से बाल कटवाए हों, हजामत बनवाई हो। तो अभी हमने जाना है बाहर, पहले जवेद भाई अपनी हजामत बनवाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जवेद भाई आ चुके हैं और वो अपनी हजामत बनवा रहे हैं। जवेद भाई हजामत बनवाएंगे। आसिफ भाई आपने भी बनवानी है? आसिफ भाई ने नहीं बनवाना, और उसके बाद जवेद भाई हजामत बनवाएंगे और आप हम इसके बाद जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, वेट करते हैं। आप देखें जवेद भाई को कोई पता नहीं अभी तो यार पता नहीं आज जाना है ना अभी भी सलाह रोकना किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जवेद भाई ने जो हजामत बनवा ली है और हम जाएंगे पार्क की तरफ। ऐसे ही जवेद भाई, जवेद भाई भी चेक कर रहे हैं अपनी मूंछों को। तो अब हम चलते हैं पार्क की तरफ जवेद भाई के पास। तो भाई मैं हसनैन भाई और जवेद भाई हम पहुंच चुके हैं जामुन के बाग में। जामुन का ये बाग है, सड़क के किनारे पे लगाया गया है और अंदर मौसमी माल्टा और अमरूद का बाग है, इसी तरह ही है जवेद भाई। तो जवेद भाई के साथ हम आए हैं अभी जामुन खाने, और ये देख सकते हैं सीढ़ी लगाई गई है जामुन के दरख्त पे चढ़ने के लिए, और उसके बाद वो भाई हैं आप देख सके तो जामुन तोड़कर ये नीचे इसके अंदर रख रहे हैं, और देखें इस टोकरी के अंदर रख रहे हैं, फ्रेश जामुन आ रहे हैं इधर से, दरख्त से तोड़ रहे हैं भाई, और उन्होंने एक कपड़ा भी लिया हुआ है आप देख सकते हैं, कपड़े के अंदर डाल रहे हैं और फिर नीचे आकर वो इस टोकरी के अंदर जामुन डाल रहे हैं। फ्रेश जामुन है, मज़े के बड़े ही मज़े के होते हैं जामुन। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जामुन लाजमी खाइएगा आप भी। तो अब जवेद भाई ये जो बाग है कितना पुराना है ये इसका मौसमी का? ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं इसे। 10 साल पुराना बाग है इसके अंदर, और कौन कौन से बाग है इसके साथ? इसी के इसके साथ फालसा भी है, फालसा भी है और अमरूद है और आम है, आम भी और चीकू भी है, काफी फ्रूट है इसके। तो ये राना मंसूर साहब का बाग है सर। राना मंसूर साहब का बाग है ये, और बड़ा ही जबरदस्त है। और बैक साइड पे देखें अभी ये फार्मिंग जारी है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, जब बड़े होंगे फिर इन्हें इधर ही लगाया जाएगा या ये लगे हुए हैं? ठीक है, ये तैयार होंगे इधर ही। ये देखें छोटा फार्म अभी तैयार है, और ये अनकरीब कितना अर्सा लग जाएगा जवेद भाई ने? इनसे 5-6-7 साल लग जाएंगे। 6 से 7 साल बाद एक बड़ा और घना दरख्त बनेगा ये, और उस पे लगेंगे आम। बाद हमने खाने हैं आम, देखें कितना ही खूबसूरत है, हवा चल रही है
और छोटे छोटे अभी पौधे लगाए गए हैं, और पौधे ये गिनने में नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा ये फार्म है, और जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए तो मुझे नज़र ही यही आ रहे हैं। तो अभी 5 से 7 साल मज़ीद लगेंगे इसको बड़ा होने में। तो बड़े बाग भी हैं, वो और भी हैं, क्योंकि अब ये नेक्स्ट जो है तैयारी हो रही है, न्यू जो हाइब्रिड हो रही है, न्यू जो आम की वैरायटी लेने के लिए तैयारी की जा रही है, और उसके बाद हम न्यू आम खाएंगे जो 5 से 7 साल बाद हमें ये मिलेंगे। क्योंकि जो पुराना दरख्त है उसकी जो औसत है वो मुझे नहीं पता, मैं अभी जावेद भाई से पूछता हूँ, फिर आपको वो भी बताता हूँ। तो मैं अभी पूछ रहा था जावेद भाई से, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं, जावेद भाई जो एक आम का जो दरख्त है उसकी औसत कितनी है, जो फल देने की, कितने साल तक वो फल देता है? सर इसका फल देने का तो तकरीबन इसकी उम्र का कोई तयन नहीं किया जा सकता, 100 साल तक भी रहता है ये। अच्छा, हाँ जी, 100 साल तक भी। हाँ, तो काफ़ी पुराने पौधे लगे हुए हैं बड़े बाग में, और कहते हैं कि ये पाकिस्तान बनने के तकरीबन करीब करीब ऐसे लगे हुए थे, पहले के हैं ये। और ये फल तो 100-100 पेटी भी एक आम में उतर आती है माशाल्लाह। और फल तो माशाल्लाह मौसम के हिसाब से होता है, गर्मी भी हो जाती है, सर्दी भी, और बाज़ुकात एक साल रख भी जाता है, एक साल ज़्यादा लगता है, एक साल कम लगता है। तो इसी में काफ़ी वैरायटियां भी होती हैं, सब चल तो काफ़ी सारी वैरायटियां भी होती हैं। वो भाई आ चुके हैं नीचे, जो जामुन तोड़ रहे थे वो सीढ़ी लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या हाल है भाई जान? ठीक है, तबीयत सी है ये भाई? और जगह आप जामुन तोड़ने जा रहे हैं? तो भाई ने अभी जामुन तोड़े हैं, टोकरी के अंदर रखे हैं, और अभी वो सीढ़ी रखने जा रहे हैं, उसके बाद वो आते हैं और हमने जामुन भी खाए हैं, जामुन खाएंगे और फिर जाएंगे पुराने आपको कदीमी जो दरख्त हैं आम के वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसमी के बाग में हम आ चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे फल हैं और ये मौसमी लगी हुई है। जावेद भाई मेरे साथ हैं, उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो गार्डनिंग पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो बागों में रह चुके हैं और उनके घर के बिल्कुल साथ ही ये बाग है। जावेद भाई ये सारी मौसमी है? हाँ जी, ये माल्टा मौसमी कहलाती है, और हल्का हल्का इसमें खटास होता है और मिठास का एहसास भी होता है, और जो मुकम्मल जो शक्री मिठाई होती है वो इसमें नहीं है, वो कलील कोई एक दो पौधे हैं, वरना ये सारा माल्टा मौसमी कहलाता है ये सारा, और खट्टा मीठा माल्टा होता है ये। खट्टा मीठा माल्टा होता है ये अपना, इसे मौसमी कहते हैं, और जो माल्टा होता है वो ऑरेंज कलर में चला जाता है। हाँ जी, मौसमी का जो कलर है वो ग्रीन ही रहता है, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। और अगर ज़्यादा देर तक इसे रोका जाए तो ये पीला कलर कर जाता है, पीला कलर कर जाता है अगर ज़्यादा रोका जाए। मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे कहीं से फल नज़र आए तो आपको दिखाता हूँ। तो इसके जावेद भाई कितना अभी कितनी देर है इस मौसमी को? इस मौसमी को अभी देर है ये तकरीबन महीना 2-1.5 महीने बाद ये आ जाएगा। कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं ये देखें कितना ज़बरदस्त है। अभी इसको देर है तकरीबन 1-1.5 माह लगेगा इसको? हाँ, 1-1.5 माह, 1 से 1.5 माह लगेगा, और इसने इसका साइज़ भी बढ़ेगा और बड़ा ही मज़े का लगेगा जब ये बड़ा होगा, और इधर ये इसका मौसम आएगा तो इंशाल्लाह मैं लाजमी आऊँगा और खाएँगे इंशाल्लाह। कितना ही ज़बरदस्त है ये मौसमी का बाग। मौसमी के बाग से निकलते हैं और हम जाते हैं आगे आम के बाग में, और उधर हमने देखने कदीम दरख्त, और उधर जावेद भाई बता रहे हैं चीकू का बाग भी दिखाएंगे, खजूर का बाग भी है भाई उधर, और काफ़ी सारे बागात हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जावेद भाई ने हमें टाइम दिया, बहुत ही मसरूफ़ शख्सियत हैं ये, तो अभी इनके साथ जाते हैं और उधर का नज़ारा देखते हैं इंशाल्लाह।